जगत की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों व्यवस्थाएं जिस शक्ति के अधीन होती हैं, वही माँ भगवती आदि शक्ति हैं। इनके अनंत रूप हैं, लेकिन नौ रूपों में नौ दुर्गा बनकर आदिशक्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपनी करुणा की वर्षा करती हैं। अपने भक्त और साधकों में अपनी ही शक्ति का संचार करते हुए करुणा और परोपकार के द्वारा संसार के प्राणियों के हित की रक्षा करती हैं माँ। नवरात्रि आराधना तन मन और इंद्रिय संयम साधना की उपासना है। उपवास से तन संतुलित होता है। तन के संतुलित होने पर योग साधना से इंद्रियां संयमित होती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों को अमोद्य फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।